नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों का दिल दहल जाता है। महिलाएं हो या पुरुष, उन्हें अक्सर यही डर सताता है कि कहीं वो भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। लेकिन एक और डर उन्हें परेशान करता है और वो है कैंसर के टेस्ट का खर्चा। जी हाँ, दुनिया भर में ऐसे 38% कैंसर पेशेंट है जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया ही नहीं था। अब अगला सवाल आता है कि कौन सा कैंसर लोगों की जान ले रहा है। इसका जवाब मिला ग्लोबोकैन डेटाबेस की रिपोर्ट से। उसके अनुसार साल 2018 में स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में कैंसर से जुड़े मौत का मुख्य कारण था। उनका कहना है कि समय पर कैंसर डिटेक्शन से 90% से अधिक मामलों में स्तन कैंसर को ठीक किया जा सकता है। साल 2018 में 1 मिलियन नए केसेज मिले थे और 6,27,000 मौत की खबर। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक समाधान ढूंढा है, एक ऐसा स्मार्ट ब्रा जिसे पहनने से साटन कैंसर को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। उनका कहना है कि ये स्मार्ट ब्रा उन महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है जो औरतें क्रिटिकल स्टेज पर है। अब ये इलेक्ट्रिकल थर्मल गुणों के माप पर आधारित है। ये डिवाइस सेंसरों से डिजाइन किया गया है जो स्तन कैंसर का जल्दी से पता लगाने में सक्षम है, आराम से और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना। ये ब्रा सिर्फ डिटेक्शन के लिए है, यानी आप इसे डेली बेसिस पर नहीं पहन सकते। चलिए दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि मैमोग्राफी जल्दी से ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट क्यों नहीं करता। दरअसल मैमोग्राफी एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा खर्च भी है और ये तकनीक हर किसी को नहीं आती। एक्सपीरियंस डॉक्टर ही इसे कर सकते हैं और इस टेस्ट को भी वही कर सकते हैं। कई बार समय की कमी के होने के कारण भी टेस्ट पूरा नहीं हो पाता और जिसके कैंसर इसके मामलों की संख्या बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद।